बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इंफॉर्मेशन। लीगल इंफॉर्मेशन में खुशामदीद। आज का हमारा मौजू है कि हुकूमत ने मजदूर तबके को 12,000 रुपए देने का फैसला किया है। हर मजदूर को 12,000 रुपए दिए जाएंगे। कल रात मीटिंग हुई और उस मीटिंग में, ये मीटिंग ECC की हुई जिसमें मजदूर रिलीफ पैकेज के तरीक़ाकार की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दी गई। मुतासरा मजदूरों की रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ एहसास मजदूर पोर्टल के जरिए की जाएगी। मजदूरों को एहसास लेबर कैटेगरी 4 यानी कैटेगरी 4 के तहत रजिस्टर्ड किया जाएगा। कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले मजदूरों को फी का 12,000 रुपये फराहम किए जाएंगे। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें ECC ने मजदूर रिलीफ पैकेज के तरीक़ाकार की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। अब आप भी इस रिलीफ से फ़ायदा उठा सकते हैं। सिर्फ आपको देखना ही होगा कि क्या आप रिलीफ मजदूर रिलीफ कैटेगरी 3 में यानी 3 में फाल करते हैं या नहीं करते। अगर आप उसके क्राइटेरिया पर पूरे उतरेंगे तो आपके अकाउंट में 12,000 रुपये हुकूमत की तरफ से मुंतकिल कर दिए जाएंगे और इसी तरह ये रकम जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए ही आवाम को दी जाएगी, जिसके लिए 75 लाख रुपए जो है वो ऑलरेडी मंजूर किए जा चुके हैं, बल्कि जारी किए जा चुके हैं। और वज़ीर आज़म ने मजदूर रिलीफ पैकेज के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, जिसमें 75 अरब रुपए बाज़ाब्ता BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को जारी हो चुके हैं। मजदूरों को एहसास लेबर कैटेगरी 4 के तहत रजिस्टर्ड किया जाएगा। मजदूर कैटेगरी 4 की क्वालिफिकेशन कैटेगरी 3 में बयान कर दी गई हैं, उन्हीं के ज़रिए चेक किया जाएगा और ये आज़ाद कश्मीर, बल्तिस्तान और सूबह पंजाब, सूबह सिंध, सूबह बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम आवाम के को ये रकम जो है आवाम में मुस्तहिक लोगों को ये रकम जो है वो दी जाएगी। तो ये हुकूमत की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है जो आपके साथ शेयर की जा रही है। वफाकी हुकूमत ने मजदूरों को भी रिलीफ देने का फैसला किया है और मजदूर अगर इस रिलीफ से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो मजदूर पोर्टल पर जो है वो जाकर अपनी कैटेगरी 4 के तहत जो है वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे। अभी रजिस्ट्रेशन की जब तारीख आएगी तो आपको मुतलक कर दिया जाएगा। ये जहन में रखिएगा कि ये जो रजिस्ट्रेशन है ये सिर्फ़ और सिर्फ मज़दूर पोर्टल के ज़रिए ही की जा सकेगी, अदरवाइज़ इसका और कोई ज़रिया नहीं है। तरीक़ेकार के बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी गई है, आप भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये ताज़ा तरीन इतलात हैं जो आपके साथ शेयर की जा रही हैं और एक बहुत बड़ा फैसला है, वफाक की हुकूमत का बेहतरीन और खुशाइन फैसला है। उम्मीद है आज का मौजू आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।